माँ सशक्त परिवार, परिवार सशक्त हेले राज्यर हेब विकाश। एथिपाई महिलांको आर्थिक स्तरें स्वावलंबी करिबाकु पड़िब। एणु गांको काम माँको सम्मानर चिंता करिथिले प्रबाद पुरुष विजु पटनायक। तांको सुपुत्र नवीन पटनायक नारी सशक्तिकरण रे देशरे सृष्टि करिछंती विरल उदाहरण। महिलांको आर्थिक सामाजिक स्तरें आत्मनिर्भर करिबाकु 2001 मार्च पहिलारे नवीन आरंभ कले मिशन शक्तिर अभिनव परिकल्पना। गठन हेला महिला स्वयं सहायक गोष्ठी। 2021 जून रु मिशन शक्ति हेला स्वतंत्र विभाग। मुख्यमंत्री आंतरिक निष्ठा और महिला प्रति सम्मान प्रतिफलन जे आज एपरि कौनसी क्षेत्र नहीं जेउथिरे कि महिला सशक्त करिबा पाई योजना होई नहीं। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को धान संग्रह ठारु आरंभ करी विद्युत बिल संग्रह मत्स्य पोखरी योजना रे सामिल करा जाय छे। लक्ष्य कि 2 लक्ष नुहंती, राज्य रे 6 लक्ष SHG रो 70 लक्ष महिलांकु आत्मनिर्भर कराई पारिछि नवीन सरकार। मान्यवर मुख्यमंत्री जो मिशन रखिंट भारत बर्षर ओडिशा एक अग्रगण्य राज्य परिगणित हम से क्षेत्र माँ मानक भूमिका अवर्णनीय। विरोधी को हतबम्ब करिबारे नवीन को मास्टर स्ट्रोक काफी। जनप्रतिनिधि व्यवस्था महिलाओं पर एक तृतीयांश स्थान संरक्षण सुविधा आज जाए केन्द्र सरकार करिपारी नाहंती, किंतु नवीन देशर एकमात्र प्रथम मुख्यमंत्री भाव 2018 महिलाओं पर 33% स्थान संरक्षण पर विधानसभा पारित कराइले संकल्प। पर दलय प्रतिनिधि पठाई सबु राज्यर मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार को दि जाइला स्मारकपत्र। बीजेडी सुप्रीमो एभली निरा प्रयास जातीय स्तर में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिगला। एने भी विरोधी समालोचना करने को पछाई नथिले, हेले विरोधी को खातिर नक 33% महिला प्रार्थी को निर्वाचन में बीजेडी अवतीर्ण कला और निर्वाचित भी हेले। पर पंचायत और पौर निर्वाचन में भी महिला अग्राधिकार देखते नवीन। माननीय मुख्यमंत्री आमर एमती प्रेरणा होतांतु एवं देश दुनिया को ओडिशा जो गोटे ना करी सेमती अधिक रु अधिक नाम करू लोक मानकर सेवा जारी रहू। अपपुष्टि दूर पाई महिला उद्योगी द्वारा प्रस्तुत मांडिया उत्पादर सफलता आज अंतरराष्ट्रीय बजार में पहुंचला। ओडिशा मिलेट मिशन रो सफलता को जातिसंघ स्वीकृति देछि, जेउथिपाई आसंता 2023 वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भाव में जातिसंघ पालन करिबाकु जाउछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दूरदर्शिता जो महिला सशक्तिकरण वास्तव रूपायन संभव हो पारिछि। भुवनेश्वर दुर्गा षडंगी रिपोर्ट, नंदी घोष टीवी।